भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक सफल वकील थे। उनकी मां का नाम प्रभावती देवी था, जो एक सफल गृहिणी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई थी। आगे शिक्षा उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनके हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह हमेशा देश के प्रति मर मिटने को तैयार रहते थे। ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के बाद देश के जाति एवं धर्मों के लोग अपने आप को नछावर करने के लिए तैयार रहते। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें नेताजी के नाम से पुकारने लगे। उन्हें 40,000 भारतीयों के साथ आजाद हिंद फौज बनाई। इस प्रकार उन्होंने आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुर्भाग्यवश 1945 में उनकी मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हो गई। उनके मृत्यु के बाद आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं तथा लोग उन्हें सम्मान पूर्वक आदर करते हैं। धन्यवाद। जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, सुभाष जी।
आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। मैं यश कुमार, प्रथम का छात्र, नेताजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। इस कविता को गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखा था। अब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। वह खून का और किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून का और किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून का और किस मतलब का, जिसमें जीवन नरमा नहीं है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। वह खून नहीं वह पानी है। जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। धन्यवाद। माय नेम इज रसिका भाटी, आई रेडेड क्लास थर्ड बी, और मैं आज नेता सुभाष जी चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और मैं आज इनकी याद में एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। Thank you.
original place.